खरगोन जिले के जेमिया तहसील के छोटे से गांव रतनपुर के निवासी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने चीन के हांगझोऊ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में 4 मेडल प्राप्त कर खरगोन सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। ऐश्वर्य ने गोकुलदास पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए शूटिंग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 15 वर्ष की उम्र में 2015 से शुरू हुआ शूटिंग का यह सिलसिला एशियन गेम्स में चीन के हांगझोऊ में 4 मेडल से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। चीन से वापस खरगोन नगर आगमन पर ऐश्वर्य का भव्य स्वागत गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा किला गेट से राधा वल्लभ मार्केट तक रैली के रूप में किया गया। विद्यालय परिसर द्वारा ऐश्वर्य की इस सफलता पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, SP धर्मवीर सिंह ने ऐश्वर्य को सम्मानित किया। ऐश्वर्य प्रताप ने अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधन को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी शुरुआत इसी स्कूल से हुई और यही ऐश्वर्य शूटिंग एकेडमी के रूप में जिले के सभी प्रतिभाशाली बच्चों को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देश को गौरवान्वित करने का अवसर देना चाहता है। SP धर्मवीर सिंह ने कहा कि गोकुलदास पब्लिक स्कूल शहर के विद्यार्थियों के लिए कई ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है जो जिले में और कहीं उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर श्री वर्मा ने अपने उद्बोधन में एक प्रेरणादायी कहानी बताते हुए बच्चों को कठिन परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क करने की सीख दी एवं विद्यालय परिसर और ऐश्वर्य को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विद्यालय प्रबंधन में डायरेक्टर अशोक महाजन, चेयरपर्सन श्रीमती सरिता महाजन, एकेडमिक डायरेक्टर संजय गुप्ता सहित स्टाफ ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए एवं चेयरपर्सन श्रीमती सरिता महाजन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। गौरवशाली क्षण है और हम सबके लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे बीच में एशियन गेम्स में 4 पदक प्राप्त करके पूरी इवेंट में ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं जिन्होंने हाईएस्ट मेडल्स प्राप्त किए हैं। तो ऐश्वर्य जी के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। ऐसे ही न केवल खरगोन का बल्कि अपने देश का मान बढ़ाते रहे। आज उन्होंने जो मुकाम खेल के क्षेत्र में हासिल किया है वो अद्भुत है। न केवल उनकी कठोर मेहनत, परिवार का सपोर्ट, स्कूल की बैकग्राउंड, ये सारी चीजों को समायोजित करके आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी यहाँ पे उपस्थिति, स्कूल के प्रति उनका कमिटमेंट, मुझे लगता है कि आगे बच्चों के लिए बड़ा संबल साबित होगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा। जिले का, अपने प्रदेश का और अपने नाम को, अपने देश का नाम रोशन करने वाले ऐश्वर्य प्रताप को सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि जो गांव से बढ़कर के पूरे दुनिया में अपना झंडा चला रहा है, अपना नाम बढ़ा रहा है, ये आगे भी इसी तरह से अपनी उपलब्धियों को कायम रखेंगे। आज ये कार्यक्रम में मेरे साथी अधिकारी SP साहब, स्कूल प्रबंधन, सभी बच्चों, कल मुझे व्यास जी मिले थे स्कूल की तरफ से, तो मुझे भी लगा कि क्योंकि मुझे इस स्कूल में आना भी था और मेरा बचपन से बड़ा लगाव रहता है और विशेष करके जब ऐश्वर्य आ रहा तो मुझे लगा कि मुझे खुद चलना चाहिए। उसके भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े गर्व की बात है। ऐश्वर्य बहुत बढ़िया काम किया, कोई भी सफलता बहुत बहुत आसानी से नहीं मिलती, कोई भी बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसमें हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि ऐश्वर्य इनको स्मार्ट वर्क की भी कुछ टिप्स बता के जाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले बहुत हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं पर वो कभी कभी सफलता नहीं पाते हैं। मैं जनरली बच्चों से जब बात करता था मैं हमेशा माइकल जॉर्डन की कहानी सुनाया करता था। मैं सोचता हूँ कि आज के हमारे माइकल जॉर्डन ऐश्वर्य प्रताप हैं। और वो कहानी मैं बच्चों को जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो वाली कहानी
ऐश्वर्य प्रताप ने भी सार्थक की है। माइकल जॉर्डन की कहानी हर बच्चे पर लागू होती है। हम हर व्यक्ति माइकल जॉर्डन और ऐश्वर्य प्रताप बन सकते हैं। हमको अपनी चॉइस का, हमारे इंटरेस्ट का, जो हमको काम लगता है बस उसमें हमको 100% नहीं 200% देना होगा। सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है सर? काफ़ी खुशी हो रही है, जैसे कि कलेक्टर सर और एसपी सर यहाँ पे आए थे, जिनकी जो मतलब मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि वो लोग आए मेरे मतलब इस फंक्शन में, और जैसे जीपीएस स्कूल और मैनेजमेंट में जिनने मुझे यहाँ पे अटेंड किया, जिन्होंने मेरा पूरा स्वागत किया, तो काफ़ी खुशी हो रही सर ये सब देख के। किस प्रकार की उपलब्धि रही वहाँ पर? सर काफ़ी बड़ा गेम्स था और मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा ये कॉम्पिटिशन रहा है, और जैसे कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे, और जैसे मैंने 4 मेडल जीते हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो सर काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे ज़्यादा हर चुनौती आपको किससे मिली? सबसे ज़्यादा चुनौती किससे रही, मतलब किस प्रकार से? सर जैसे शूटिंग गेम एक इंडिविजुअल गेम है, तो हमारी जो चुनौती है वो हमारे खुद से ही, अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे, हमें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं। तो बस मेरा ध्यान पूरा बस खुद पे ही था, और मैं ये था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूँ और देश के लिए मेडल। छोटे से गांव से आप और इस प्रकार से उपलब्धियाँ प्राप्त, कैसे मानते हो, किस तरीके से प्रेरणा रही है? सर मैं जैसे खरगोन जिले के रतनपुर गांव का रहने वाला हूं, और वहीं से मैं निकला हूं, और मैंने स्टार्टिंग शूटिंग मैंने 2015 में करी शुरू, जिसमें मेरे जो ब्रदर है नवदीप सिंह राठौर, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, जो कि खुद भी एक इंटरनेशनल शूटर रहे हैं, और उन्होंने ही मेरी जर्नी स्टार्ट करी, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। अगला लक्ष्य ये सर कि 2024 के ओलंपिक में देश को मेडल जिताएं। ये खरगोन जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है, एक छोटे से गांव से आकर के ऐश्वर्य प्रताप ने अपना नाम सार्थक किया है, उनके द्वारा अनेक मेडल जीते हुए हैं। बाकी में ये खरगोन ही नहीं, हमारे प्रदेश को और देश को गौरवान्वित वाला क्षण है। आज गोकुल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो कार्यक्रम रखा, मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरी ओर से ऐश्वर्य प्रताप को बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने ऐश्वर को इस मुकाम तक आगे बढ़ाया हुआ है, तो स्कूल प्रबंधन भी इसके लिए बधाई का पात्र है। शुभकामनाएं बहुत बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।